हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हम एक नए कैंडिडेट का शेयर करने जा रहे हैं। बहुत सी डिमांड थी कि यूपी से कोई एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। बाकी भी डिमांड है, जैसे महाराष्ट्र से, राजस्थान से, एमपी से। तो आने वाले कुछ घंटों में हम एक या दो वीडियोस और शेयर करेंगे, जिससे आप लोग को एक्चुअली कहीं का भी वो इंटरव्यू हो, वो बेनिफिशियल सबके लिए है, हर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। क्योंकि जो क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं वो तो कॉमन ही होते हैं, वो कुछ चेंज नहीं होते हैं। बट यहाँ पर हम एक उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें अभी मेल किया है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिए हुए हैं, जो पहले भी मैंने आपको बताया है, तो प्लीज उन लिंक्स पर जाकर उन दो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप मेरी बहुत हेल्प कर पाएंगे एक्चुअली, और फ्यूचर में आपको आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको उन चैनल्स पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलेंगे, जिन्हें आपको देखकर काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम इस इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए एंड क्या पॉसिबल आंसर उनके हो सकते हैं। अगर बताना जरूरी हुआ तो मैं बताऊंगा। ये जो कैंडिडेट थे, इनका नाम था विकास राणा। इन्होंने हमें मेल किया है, विकास राणा। इनका जो इंटरव्यू था वो था लखनऊ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड अबाउट योर ग्रेजुएशन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन तो कॉमन ही है, सबसे पूछा जाएगा आपके ग्रेजुएशन के बारे में और आप कहाँ से हैं। ठीक है, फादर ऑक्यूपेशन एंड फैमिली मेंबर्स, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फैमिली डिटेल है तो वो पूछी जाएगी। तो बेटर यही है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो आप उसमें क्या अपनी डिटेल, अपनी पढ़ाई की डिटेल, लास्ट आपने जो भी किया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी फैमिली की डिटेल, फादर मदर एंड ब्रदर सिस्टर अगर है तो फादर एंड मदर क्या करते हैं, इसकी डिटेल आप उसमें जरूर मेंशन कर दें। साथ में हॉबीज एंड आपकी स्ट्रेंथ, ये चीजें अगर आप मेंशन कर देंगी तो उनको दोबारा जो पैनल होगा आपसे क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, और वो मानेंगे कि आपने एक अच्छा इंट्रो दिया है। आप इंट्रो में अगर सिर्फ नाम, आपका नाम ये है एंड आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके ग्रेजुएशन में ये किया है, सिर्फ तीन चीजें आप ऐड करते हैं तो वो पूरा इंट्रो नहीं होता है, एंड उससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो भी अच्छा नहीं पड़ता है पैनल पर। तो नेक्स्ट इनसे पूछा गया, व्हाई बीटेक आफ्टर इंजीनियरिंग, हाउ विल यू बेनिफिशियल फॉर अस। देखिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर कर दिया है इस क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है आप क्या देंगे, तो आप पिछले वीडियो में जाइए, पिछले वीडियोज हमारे देखिए इंटरव्यू सीरीज के। वैसे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा आप इंटरव्यू सीरीज का हर वीडियो जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि वाई बीटेक आफ्टर इंजीनियरिंग, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आपने बीटेक किया हुआ है, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आप बैंक में भी डे बाई डे बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है, बैंक्स क्या कर रही हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही हैं। ठीक है, इवन प्राइवेट बैंक्स तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स भी ला रही हैं। आपने सुना होगा आज से 1 या 1.5 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक एक रोबोट लेकर आई है, और आईसीआईसीआई बैंक रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रही है अपनी वर्किंग को फास्ट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी को समझने में आपको ईजी होगा, इसलिए आप बेनिफिशियल हैं। आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट जल्दी करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को सीख जल्दी पाएंगे, आप जल्दी सीख जाएंगे तो आप दूसरे अपने जो कलीग्स हैं उनको सिखा पाएंगे। देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर बैंक में आती है तो हर स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि एक दो स्टाफ, तीन स्टाफ जो टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं उनको भेजा जाता है डेटा सेंटर या जहां भी मेन टेक्नोलॉजी जहां से इन्वेंट होती है, जो कंपनी को दिया जाता है कुछ भी नया बनाने को, वो आपको ट्रेनिंग देती है। देन आप आकर अपने स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर पर, जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पर आप ट्रेनिंग देते हैं। आरआरबीज का तो यही प्रोसेस है। ठीक है, तो आप इसलिए भी बेनिफिशियल हैं उनके लिए। एंड अगर आपका कंप्यूटर से फील्ड रहा, सपोज आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक सीएस से हैं, ठीक है, तो ये तो और भी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में भी कंप्यूटर्स का यूज होता है। ठीक है, तो आप उनके लिए बेनिफिशियल हैं। तो हर फील्ड, अगर आप बिल्कुल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आप उसका क्या बोलेंगे, ये मैंने कवर किया हुआ है पिछले के वीडियो में। कुछ पीछे मैंने आई थिंक 3 या 4 जो वीडियो छोड़कर, आज से 3 4 दिन पहले का वीडियो होगा जिसमें मैंने ये कवर किया है। एंड बीटेक आफ्टर इंजीनियरिंग, तो अगर पूछेंगे कि बीटेक एक्चुअली इन्होंने लिखा है क्वेश्चन 3 जो उन्होंने मेल किया है, व्हाई बीटेक आफ्टर इंजीनियरिंग, तो आई थिंक इनसे क्वेश्चन पूछा गया होगा, कुछ इनसे टाइप गलत हो गया है, व्हाई बैंक आफ्टर इंजीनियरिंग।
आई थिंक इन्होंने कुछ गलत टाइप कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग के बाद आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट अप टू द मार्क नहीं थी, या प्लेसमेंट में आपका जो सैलरी थी वो अच्छी नहीं थी, वो आपको आप डिसअपॉइंट थे सैलरी से, या प्लेसमेंट आपकी कॉलेज की अच्छी नहीं थी, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, देन या फिर आप बोलते हैं आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं, इसके बाद इंजीनियरिंग सिर्फ आप का मन था इसलिए करना चाहते थे, एंड इंजीनियरिंग करते करते नहीं, पहले आपको इंजीनियरिंग का मन था एंड इंजीनियरिंग करते करते आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में पता चला जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था, फिर आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगा, देन आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, आपका इंटरेस्ट और बढ़ा एंड आपने प्रिपरेशन की, देन आपने एग्जाम क्लियर कर लिए। तो ऐसे आप किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, टुडेज फेमस न्यूज इन न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स लाइक दर्पण स्कीम, इलेक्शंस इन गुजरात एंड एचपी, ये सभी से पूछे गए। तो करंट अफेयर्स पर एक्चुअली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, होपफुली कल आ जाएगा वो वीडियो। एंड अगर फेमस न्यूज की बात करें तो एक्चुअली 2G स्कैम को लेकर बड़ी न्यूज आई थी, इनका इंटरव्यू आज था या कल था, तो उसके बारे में भी पेपर में चल रहा है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बोलिएगा तभी उसी चीज के बारे में बोलिएगा एक्चुअली जो आपको पता हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दीजिए कि आपने पेपर का ओवरव्यू लिया है ना, ये बड़ी न्यूज है आज की, बट इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पता है, अगर आगे उसके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बड़ी न्यूज है तो उसको थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो टुडेज फेमस न्यूज हो गया एंड करंट अफेयर्स लाइक दर्पण स्कीम, ठीक है, इलेक्शन इन गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन थे जिसका रिजल्ट 19 दिसंबर को आ गया, एंड दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, और तो इसके बारे में आई थिंक सबको पता ही होगा। एक बात की यहाँ जा रही है यहाँ पर दर्पण स्कीम की, दर्पण स्कीम किससे रिलेटेड है, दर्पण स्कीम इंडिया पोस्ट से रिलेटेड है, इसको हमारे संचार मंत्री मिस्टर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था। एंड अगर दर्पण स्कीम की बात करें तो ये किस लिए है, ये इंडिया पोस्ट है, जितने भी डाकघर है, जितने भी पोस्ट ऑफिस है स्पेशली इन रूरल एरिया, उनको उनका डिजिटाइजेशन करने के लिए, उनको डिजिटल बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, क्योंकि सिटी में तो हो चुके हैं बट गाँवों में नहीं हुए हैं। तो इंडिया में 1.29 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, उनको डिजिटल करने का जो लक्ष्य रखा गया है दर्पण स्कीम के अंतर्गत, वो रखा गया है 31 मार्च 2018, 2018-21 मार्च तक सभी पोस्ट ऑफिस को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसीलिए एक दर्पण स्कीम लॉन्च की गई जिसके द्वारा मनोज सिन्हा सॉरी संचार मंत्री, ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम यूपी इज फेसिंग, विच एक्ट यूपी गवर्नमेंट रिसेंटली पास्ड, ठीक है, तो देखिए यूपी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एंड आपने अगर पीछे पहले के 3 वीडियोस देखे होंगे एक्सपीरियंस के, तो ये आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, इसके बड़े जो महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस था उसमें भी वो जिस प्लेस से कैंडिडेट बिलोंग करता था पूछा गया कि वो किस चीज के लिए फेमस है, तो आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं वहां के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। हमने देखा हर इंटरव्यू में पूछा गया है, हर कैंडिडेट ये बोल रहा है कि उससे जो लोकल आपके स्टेट से रिलेटेड चीजें हैं, आपके स्टेट में कौन कौन सी फसलें होती हैं, कैसा वहां पर खेती का माहौल है, वहां पर खेती कैसे होती है, और वहां पर रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही हैं, और आपकी स्टेट की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए तो कवर नहीं कर रहा हूँ, एंड विच एक्ट यूपी गवर्नमेंट रिसेंटली पास जो इनसे पूछा गया, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूपी कोका एक्ट सबने न्यूज में सुना होगा, ये अभी यूपी गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया विधानसभा में, एंड ये है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, तो ये पास किया गया, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नाम पूछ लिया एंड मे बी किसी कैंडिडेट से पूछ ले कि ये किस लिए है, तो बेसिकली क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके लिए एक्ट पास किया गया, इससे ज्यादा पूछ नहीं पूछेंगे, एंड अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते तो आप फिर डेफिनेटली इसके बारे में नहीं पूछेंगे। और अब इनसे जो बैंकिंग क्वेश्चन पूछे गए वो आरबीआई के फंक्शंस पूछे गए, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ वीडियो में, मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाई आरबीआई फॉर्मुलेट्स इट। अगर आपसे पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये एक लाइन में उसका आंसर ये दे सकते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्री ही मनी मार्केट में बाजार में पैसा कितना रहेगा इसको कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करती है कि बाजार में पैसा कितना रहेगा, ये किससे, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही
आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई अगर चाहती है कि बाजार में पैसा ज्यादा ना हो तो वो जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपको सेविंग पर फिक्स पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको बढ़ा देती है। और उससे क्या होता है, आप पैसा बैंक में डिपॉजिट ज्यादा होने लगता है। और अगर मार्केट में पैसा देना चाहती है, आरबीआई चाहती है मार्केट में पैसा ज्यादा जाए, लोगों को पैसा ज्यादा मिले, तो वो लोन की जो रेट्स होते हैं उनको कम कर देती है। उससे क्या होता है, लोग लोन ज्यादा लेते हैं, मार्केट में पैसा बढ़ता है इसकी वजह से। तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से बाजार में पैसा कंट्रोल होता है कितना रहेगा। एनईटीएल एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। एनईटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटरव्यू की जो पिछली वीडियोज अपलोड किए हैं। व्हाई नाबार्ड इज फॉर्म्ड एंड इट्स फंक्शन, नाबार्ड क्यों फॉर्म की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, पिछले मतलब जो पहले वीडियो अपलोड किए उनमें कवर किया है। एंड नाबार्ड एक्चुअली मेन जो मोटो था नाबार्ड को स्टेब्लिश करने के पीछे, वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, एंड किसान एंड ग्रामीण इलाकों के हित में पॉलिसीज को बनाना। तो ये किया गया, ये भी मैंने कवर किया हुआ है वीडियो में, और इसके फंक्शन भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अबाउट आरआरबीज एंड बजट फॉर रूरल डेवलपमेंट, आरआरबीज के बारे में एंड इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है वीडियो में। व्हाट इज टर्म रिफाइनेंस, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम जान लें कि टर्म रिफाइनेंस क्या होता है। टर्म रिफाइनेंस ये होता है कि कोई भी फाइनेंस हुआ है उसको रिफाइनेंस किया जाता है। सपोज कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने हैं, या इंटरेस्ट रेट चेंज करना है, इंटरेस्ट रेट का कुछ बेनिफिट अगर कंज्यूमर को मिल रहा है तो वो लोन रिफाइनेंस किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं टर्म रिफाइनेंस। किसी ने एक होम लोन लिया, अब इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, तो उसको रिफाइनेंस भी किया जा सकता है, उससे जो न्यू इंटरेस्ट रेट होंगे और न्यू पॉलिसी होगी वो उस लोन पर एप्लीकेबल होगी, तो इसे हम बोलते हैं टर्म रिफाइनेंस। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आने वाले कुछ घंटों में हम एक और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर करने से आपको बहुत ही बेनिफिशियल है ये आपके लिए, आपको आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक कवर करें, एंड एक वीडियो हम और लेकर आ रहे हैं जिसमें आपकी जो जनरल क्वेरीज हैं बहुत से लोगों की, कि एग्रीकल्चर, कुछ लोग बोल रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैंने बीकॉम किया है तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, तो वो सब चीजें हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, एंड कोई नीड है किसी और वीडियो की तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।